हेलो दोस्तों, क्राइम लेटेस्ट अपडेट में आप लोग का स्वागत है। और एक न्यूज़ की तरफ चलते हैं और इसमें भी बहुत दर्दनाक है, तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मेरा चैनल के उद्देश्य है कि आप लोग को अवेयर किया जाए, और जैसे ही हम लोग न्यूज मिलता है मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, तो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा। हमारा मोटिवेशन ये रहता है कि आप तक खबरों पहुँचाए, और जिनको भी अगर यूट्यूब पे दिखे और वो नए हों तो क्लिक करके देखें, अच्छा वीडियो लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और यही चलते हैं, चलिए आगे वीडियो में देखते हैं। शादी की दावत खाने के बाद महिला प्रधान की मौत, परिजन बोले खाने में दिया गया था जहर। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक शादी की दावत खाने के प्रधान महिला की मौत हो गई। प्रधान पति ने 5 लोगों के खिलाफ दावत के दौरान जहरीला पदार्थ गिराने का आरोप लगाया। पुलिस ने प्रधान पति की शिकायत पर साजिश के तहत हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज, एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी। बिजनौर के मांडवली क्षेत्र के गांव हकुमतपुर से की नवनियुक्त ग्राम प्रधान शिक्षा देवी 29 जून को गांव में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गई थी, और वहां पर चल रही दावत में खाना खाया और कुछ समय बाद ही उनकी हालत बिगड़ गई। ग्राम प्रधान शिक्षा देवी उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां से डॉक्टर ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए बिजनौर रेफर कर दिया। बिजनौर में सभी स्थिति नाजुक होने के चलते उनको हायर सेंटर मेरठ के लिए रेफर किया गया, लेकिन मेरठ ले जाते समय रास्ते ही में प्रधान की मौत हो गई। प्रधान के परिजनों के ने पुलिस को दी तहरीर में गांव में ही चुनाव हारने वाले पक्ष के 5 लोगों के खिलाफ साजिश के तहत खाने में जहरीला पदार्थ देने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने मृतका के पति के तहरीर के आधार पर 5 लोगों के खिलाफ हत्या की साजिश और हत्या का मुकदमा दर्ज, एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है और पूरे मामले की जांच सीओ नजीमाबाद सौंप दी, और मृतका की लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, और साथ ही उनके खाने वाले भोजन के सैंपल को पुलिस ने जांच के लिए भेज दिया है। डॉक्टर धमेश सिंह पुलिस अधीक्षक बिजनौर का कहना है कि मांडवली थाना क्षेत्र के गांव हुकूमतपुर से की ग्राम प्रधान शिक्षा देवी 29 जून को अपने ही सजातीय के यहां एक समारोह में गई थी, जहां पर उन्होंने खाना खाया था। परिजनों को लगा कि कोई जहरीला पदार्थ खाने की उनकी हालत बिगड़ गई, जिसके कारण उनकी मौत हुई। इस मामले में पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। धारा 302, 120 बी, 328 के तहत मुकदमा दर्ज किया है और इसकी जांच क्षेत्र नजीमाबाद को सौंपी गई है।